जय मां डोगरी। मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के बरनाई क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है। अमित कपूर जी, आज ही यहां पर जो इवेंट करवाया जा रहा है उसके बारे में बताएं। देखो, ये इवेंट जो है अपना JD प्रोडक्शन हाउस की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें प्रिंस जी और अपने इन्होंने दिव्यांश जी ने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया यूथ को। और ये इवेंट जो है बच्चों के लिए है, और उस तरह के बच्चों के लिए जिनको आज से पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जिनको स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिला। आज आप मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे देखेंगे जो आज से पहले स्टेज पे कभी उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। तो ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और मैं दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ कि आगे भी जाने आने वाले टाइम के बीच में बच्चों के लिए ऐसे इवेंट लेके आओ जिसमें आगे जाके बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। बस यही बोलना चाहूँगा। अमित कपूर जी, हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह के इवेंट होते हैं ना, हज़ारों के करीब पैसे लिए जाते हैं, कई बार लाखों में भी चले जाते हैं, मात्र 100 रुपया। देखो 100 रुपया, देखो क्या आजकल यहाँ की प्रॉब्लम क्या आ गई है जम्मू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग पैसा लेके बच्चों के इवेंट करवा रहे हैं और बच्चों को उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारा मेन मोटिव जो है, जो मेरी इनसे बात भी हुई थी, दिव्यांश जी से, प्रिंस जी से इनसे बात हुई थी, देखो इन्होंने, इनका मेन प्लेटफॉर्म ही ये था कि बच्चों से पैसा ना लिया जाए, 100 रुपया लिया जाए। वो 100 रुपया इसलिए कि बच्चे की एक सीरियसनेस को फील किया जाए। यहाँ पे किसी को बोल दो फ्री में, तो कई बार लोग सोचते हैं यार फ्री है, तो फ्री में भी लोग सोचते हैं यार पता नहीं कितना पैसा इन्होंने अंदर ही अंदर लूट लिया। 100 रुपया जो एक अमाउंट रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि कम से कम बच्चों का एक अपना इंटरेस्ट हो कि हम 100 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया दे के वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये अपने भाई हैं दोनों, इन्होंने जब ये मेरे पास आए तो उस टाइम हमें ये सुनने को मिला है, इन्होंने कहा जी हमें तो हर चीज़ जो है ना स्पॉन्सर हुई है। इन्होंने कहा जी हम चाय का अरेंजमेंट खुद कर रहे हैं, हॉल हमें किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, मोमेंटोस हमें किसी ने स्पॉन्सर कर दिया। ये कहते हैं भैया हमें तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे तो तब लिए जाएँ कि पैसे अगर इन्होंने कमाने हों। इनका मोटिव जो है वो कमाने का नहीं है, इनका मोटिव है कि यूथ को प्रमोट किया जाए, यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अब ये तरुण जी हमारे साथ हैं, सुनील जी हैं, हमेशा ये अपने सोशल एक्टिविटीज़ के बीच में रहे हैं, तो हम लोग जो आज जुड़े हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो हम और भी ऐसे इवेंट करेंगे जिसमें हमारी मुलाकात भी होगी। हम लोगों का मिलके प्लेटफॉर्म ही यही है, हमारी सोच ही यही है कि यूथ को प्रमोट किया जाए, यूथ को आगे एक मौका दिया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें जम्मू के बच्चे भी उठ के बाहर जाएं, जिसमें पैसे का कोई लेना देना ना हो। ठीक है तरुण जी, जिस तरह से आज ये कार्यक्रम चल रहा है, आप भी कलाकार हैं, कैसे देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आज आए हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं? हालाँकि कुछ बच्चे ऐसे भी देखे जो कि स्टेज पर सिर्फ खड़े रहे, नहीं पता चलता क्योंकि सीख रहे हैं, लेकिन एक मंच जो प्रदान किया गया है JD इवेंट्स की तरफ से, उसे कैसे देखते हैं? जी हमारा भी टाइम था, हमें ना कोई सिखाने वाला था ना सीखने वाले थे, और तब उस टाइम क्या होता था स्टेज भी प्रदान नहीं होती थी। प्रिंस जी मेरे साथी रहे, दिव्यांश जी मेरे साथी रहे, हमें पता है जब हम स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में आए 2009 में, ये इंडस्ट्री वापस जो फॉर्म में आए, जैसे कुग्गी मार उडारी फिल्म के बाद बाकी फिल्में बनना स्टार्ट हुई, तो हमारा एक सपना था कि हम जम्मू में जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे। क्योंकि आने वाले, आप देखिए अब कोविड के बाद भी आके अब नई फिल्म जो आई, तो उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि नए साल में यानी कि 2023 में हम कोशिश करें कि जम्मू में एक अपनी फीचर फिल्म बनाई जाए, और कोशिश की जाए जो इवेंट्स हमारे रहेंगे JD के, नटमंच के, और भी ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथ, तो हम कोशिश करेंगे इन्हीं बच्चों को उसमें चांस दें, ताकि इन बच्चों को भी पता लगे कि हम किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, और जो हमारी एक्टिंग या मॉडलिंग या सिंगिंग किसी में भी हम रुचि रखते हैं वो सामने आए, ताकि बाहर पंजाब की तरह जम्मू में भी एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री बने और लोगों को भी देखने का मौका मिले कि जम्मू की अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री बनी है। जी सर, आप बताएं कैसे देखते हैं आज के दिन? मैं यही देखता हूं कि बच्चों को अच्छा है, इन्होंने प्रिंस जी ने और दिव्यांश जी ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को यहाँ पे आके, जो बच्चों, ठीक है आपने जैसे बोला कि जब स्टेज पे चढ़ के बच्चे नहीं परफॉर्म कर पा रहे, पर जब उनको कोई परफॉर्म करने लाइक देगा तो कैसे करेंगे? वही चीज़ उन्होंने देखी कि यहाँ पे इन्होंने बच्चों को चुना, देखा, उनको रखा स्टेज पे, अब वो शुरू, अगर आज वो स्टेज पे चढ़े हैं तो कल वो उनको और मिलेगा, और उत्साह मिलेगी कि हाँ हम ऊपर चढ़े हैं, हम दोबारा नेक्स्ट टाइम चढ़ सकते हैं। तो बस यही है कि अच्छा है कि ये लोग ये सब कर रहे हैं, यूथ को इसमें प्रमोट कर रहे हैं, और गलत रास्ते में प्रमोट नहीं हो रहे वो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें जितना हो सके हम इनको ऐसे सोशल एक्टिविस्ट में हमको हर बार सपोर्ट करूँगा। ठीक है प्रिंस जी, प्रिंस जी कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बड़ा अच्छा इंजॉय कर रहे हैं लोग, बच्चे भी परफॉर्मेंस अपने दे रहे हैं, और काफ़ी हिट जा रहा है कार्यक्रम,
स्पॉन्सर कुछ लोगों ने आपको कर दिया, जैसे सर ने कहा कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, मात्र 100 रुपया ही रखा एक बच्चे से ताकि उसका जो प्रोत्साहन है वो बढ़े। बेसिकली हमने एक्चुअली हमने रखा था 100 रुपया, इसलिए रखा है कि बच्चों का थोड़ा सा परफॉर्मेंस के लिए एक रुचि पैदा हो, ठीक है ना। नहीं तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम रखना चाहते थे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पता कि हमारे पास जो कॉल्स एंट्री आई थी वो उधमपुर से आई है, यहाँ तक कि दिल्ली तक हमारे पास आई हुई है, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जम्मू, बेसिकली मेरी जो कंपनी का नाम है, हमारी कंपनी का नाम है जम्मू ड्रीम्स, ठीक है, जम्मू ड्रीम्स इवेंट्स कंपनी है, ठीक है हमारी। तो मैं चाहता हूँ कि जम्मू के जितने भी हमारे जो यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ठीक है ना। तो दूसरी बात, हमारे जो दिव्यांग जी हैं, बालाजी मीडिया के मैनेजर हैं, ठीक है, वो भी हम हमेशा मेरे साथ होते हैं, ठीक है। तरुण जी हमारे हैं, तो बेसिकली हमारे जो रामा इवेंट सेंटर है वो हमें वेन्यू पार्टनर है हमारा, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात ये, हमारा जो हमारे मीडिया सहकर्मी है उनका भी बहुत शुक्रगुजार। इनसे मिलिए, दिव्यांश बाबा काफ़ी चर्चित नाम है, शायद ही जम्मू पंजाब या बॉलीवुड में कोई शख्स होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। आज इन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है कि जम्मू के जो कलाकार हैं जिन्हें कोई मंच प्रदान नहीं करता, हम उन्हें मंच तक पहुंचाएंगे, और बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रतिभा कितनी दिखा सकता है। सबसे पहले तो जय गुरुदेव, जनाब अक्षय सागर जी की दया से हूँ, आज जो कुछ भी हूँ। और बालाजी मीडिया फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर हूँ, जेएनके यूटी का, और युवा भारत ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ जेएनके का। तो देखिए सर, मैंने तो ये एक बीड़ा ऐसा उठाया, देखो मैं पैसे इकट्ठे करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, बच्चों का टैलेंट आगे प्रमोट करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी कहते हैं ठोकरें लग लगी, मुझे भी ठोकरें लगी हैं, और जिसको गुरु की चंडी जो चेला होता है वो कहीं तो कहीं ज़रूर पहुँचता है। इसलिए मैं अपने गुरु जी का थैंक्स करता हूँ कि उनका नाम मैं इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहूँ, ताकि मैं अभी आपको बता दूं, हाल ही में मैंने अमीषा पटेल जी से अवार्ड लिया था जी, आज का कार्यक्रम। तो आज का कार्यक्रम ये रखा है कि उन बच्चों को प्लेटफॉर्म है, ये गांव में आप देख सकते हैं। मैं तो मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, रफ्तार जम्मू की सारी टीम का शुक्रगुजार हूं, सारी मीडिया का, क्योंकि देखो कितने एक मतलब कि 100 रुपये में आपको पता है कि कितना एक आने जाने में ही किराया लग जाएगा इतना, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मैं रखने को चाहता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकता, लेकिन मैंने अपने चीफ गेस्ट जो हमारे अमित कपूर जी भाई थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा थे जैसे आपको ठीक लगता है दिव्यांश आप वैसे कर लीजिए, क्योंकि मैं बच्चों को यहाँ पे टैलेंट देखा मैंने, और आपने भी यहाँ पे मीडिया के माध्यम से भी आप दिखाएंगे शाम को, आकाश डीजे की सपोर्ट रही, और वेन्यू पार्टनर जो हमारे रामा इवेंट्स वाले हैं उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ। बाकी हमारी टीम सारी है, प्रिंस जी हैं, तरुण जी हैं, सुनाल जी हैं, नवीन जी हैं, आकाश डीजे है, रामा इवेंट्स का मैं थैंक्स करूँगा जिन्होंने वेन्यू हमें यहाँ पर दिया है, और बच्चों को मेरा प्यार है कि आगे बढ़ते रहो, थैंक यू सो मच। ये देखा आपने, ये पूरी टीम थी, इनसे हमने बातचीत की, यहाँ बरनाई में हम आए थे, यहाँ पर इवेंट चल रहा है, और जैसे कि आपने अभी देखा भी होगा कि तालियों की गड़गड़ाहट जो आपको सुनाई दी होगी, अंदर परफॉर्मेंस चल रही हैं, बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक मंच जो है जेडी इवेंट प्रोडक्शन की तरफ से उन बच्चों को दिया गया है। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से, आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।